नमस्कार साथियों साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के जो संचालक हैं माननीय श्री धनराजू एस, उन्होंने मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों के लिए एक पत्र जारी किया है, जिसमें शासकीय विद्यालयों से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा की है और जो आवश्यक कार्य हैं उनके विषय में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आप देख रहे होंगे प्रिय साथियों, जैसा कि आपको विदित है, ग्रीष्म अवकाश के उपरांत 16 जून 23 से अकादमिक सत्र 2023-24 प्रारंभ किया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विगत सत्र के लंबित कार्य तथा आगामी सत्र की व्यापक तैयारी का कार्य विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कई महत्वपूर्ण कार्यों गतिविधियों में सुधार की आवश्यकता है। चूंकि सत्र की गतिविधियां समय पर आधारित होती हैं, इनमें विलंब से अपूर्णीय क्षति होने की आशंका रहती है, अतः अपेक्षा है कि समग्र शिक्षा के जिला लीडर की हैसियत से आप इन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं। अब देख सकते हैं जो कार्य हैं प्राथमिकता से जो पूर्ण किए जाने हैं। शिक्षा पोर्टल के अनुसार सत्र 23-24 के नामांकन तथा ट्रांजिशन की स्थिति, गृह संपर्क अभियान, शाला त्यागी बच्चों का चिन्हांकन एवं मेन स्ट्रीमिंग की स्थिति, यूडाइस प्लस अंतर्गत स्टूडेंट प्रोफाइल अधोसंरचना तथा अन्य जानकारी में विसंगति कमियों को सुधारने की स्थिति, यानी कि यूडाइस प्लस की जो जानकारी है वो भी 100% अपडेट होना है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे 23-24 में विद्यार्थियों की भागीदारी की स्थिति, पाठ्यपुस्तक FLN, दक्षता उन्नयन प्रायरा आदि पठन पाठन सामग्री की उपलब्धता की स्थिति, यानी कि चाहे वह पाठ्यपुस्तकें हों, FLN की पाठ्यपुस्तक हों, दक्षता उन्नयन की सामग्री हो, वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं, शिक्षा का अधिकार अंतर्गत भुगतान की स्थिति और निर्माण कार्य की समीक्षा। उक्त समस्त बिंदुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी संलग्न है। निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार मैं आपसे दूरभाष पर समीक्षा चर्चा करूंगा। यदि आप निर्धारित समय पर अति व्यस्त हैं तो मुझे मैसेज कर सूचित करें, ताकि आपकी सुविधा अनुसार अन्य दिनांक व समय पर चर्चा की जा सके। यदि हम पत्र में देखें तो जिलेवार टाइमिंग दी हुई है, किस जिले में जो जिला कलेक्टर है उनसे किस समय चर्चा की जाएगी। आप देख सकते हैं पत्र में समय सारणी अंकित की हुई है। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के जो संचालक हैं उन्होंने जारी किया है, और शैक्षिक सत्र को लेकर जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें प्रगति को लेकर निर्देशित किया है। तो अब शाला में ये सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण किए जाने हैं। तो साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।